खबर शामिल करते हैं। अब्दुल कुद्दूस लांगो की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा लाहियार में आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख, डीआईजी पुलिस नसीराबाद अब्दुल हई बलोच के साथ दौरा, एसएसपी जाफराबाद मोहम्मद जवाद तारिक साहब ने सैलाब के हवाले से तफसीलात सियाह का आहिदी। डीआईजी बलोचिस्तान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सैलाब में आवाम के साथ साथ पुलिस एहलकार भी मुतासर हो रहे हैं। बलोचिस्तान पुलिस दूसरे सूबे से कम वसाइल पर गुजारा कर रही है। पुलिस को आवाम का खिदमत करने के लिए अपनी मेहनत और लगन से कोशिश कर रही है। इस सैलाब में काफ़ी थाने मुतासिर हुए हैं। अब्दुल कुद्दूस लांगो, ग्रेट न्यूज़। डेरा लाहियार के जो कैदी थे उनको दीगर अजला में मुंतकिल किया जा रहा था, तो इसके हवाले से क्या बलोचिस्तान पुलिस ने कोई इकदाम किया है ताकि थानों को बेहतर किया जा सके? देखिए, ऑलरेडी पुलिस की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, और इस सैलाब में जिस तरह बाकी आम शहरियों की घर, दफातर, दुकान और बहुत सारी बिल्डिंग्स मुतासर हुई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, इसी तरह पुलिस भी है। इसलिए हम एक तो अपना सर्वे कर रहे हैं कि हमारा क्या नुकसान हुआ है और कौन सी बिल्डिंग्स को हम प्रायोरिटी में डालें, उसमें हम तरजीहात के बुनियाद पर ये जो नसीराबाद इलाके में हमारी पुलिस की बिल्डिंग्स हैं उनको साथ में हम गवर्नमेंट के पास भी अपना एक प्लान लेके जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जाहिर है कि रिहैब का एक पूरा प्रोग्राम लाएगी और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी रिपेयर करेगी, रिस्टोर करेगी। साधन सर्विसेज हैं जिसमें हेल्थ है, खासतौर पर पुलिस है, लेडीज़ है, इनके भी, और ये गवर्नमेंट करना चाहती है और हम अपना प्लान उनके लिए उसके लिए बना रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो हमें वसायल मिले उनको अच्छे तरह एसेंशियल सर्विसेज के दफातर को फौरी तौर पे बाहरी की तरफ ले जाएं ताकि कोई कमी न रह जाए।